असम के भाजपाई मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, मगर जिस बात के लिए दर्ज हुई है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक कही जा सकती है। मोदी शाह की गुजराती जोड़ी के सबसे प्रिय मुख्यमंत्री पर आरोप लगा है कि ये अपने ही राज्य में, जहां के मुख्यमंत्री हैं उसी राज्य में आग लगा रहे हैं, दंगे करवा सकते हैं। पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से 18 पार्टियों ने एक साथ मिलकर असम के मुख्यमंत्री के ऊपर FIR दर्ज करवाई है, और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हेमंत बिस्वा सरमा लगातार पिछले कई सालों से संविधान के ऊपर चढ़ के डांस कर रहे हैं। जो कसम खाई है उसकी लाज निभाना तो बहुत दूर की बात है, उसे आए दिन निर्वस्त कर रहे हैं, और शायद इसी काम के लिए विश्वगुरु हेमंत शर्मा को बहुत पसंद करते हैं, सबसे प्रिय सबसे लाडले बताए जाते हैं। उधर कोलकाता वाले मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने संगठित तरीके से फैलाए गए झूठों के खिलाफ अपना जवाब दिया है, बता रही है कि किस तरीके से कलकत्ता मामले पर फर्जी बातें फैलाई जा रही हैं, वो भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज द्वारा। यूपी सरकार सोशल मीडिया को कथित रूप से कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम लेकर आई है उस पर प्रियंका गांधी ने तगड़ा वाला जवाब दिया है, वो भी देखेंगे। उधर उत्तराखंड के भाजपा मुख्यमंत्री का एक नया कांड सामने आया है, उस पर भी बात होगी, और जब मुख्यमंत्रियों की बात होगी तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की भी बात करेंगे कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। साथ ही भाजपा मुख्यमंत्रियों से एक छोटी सी तुलना की जाएगी, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। उधर पिछले कुछ दिनों से गोदी मीडिया ने पाकिस्तान को छुट्टी पर रखा था, मगर जब रेल दुर्घटनाएं हद से ज्यादा होने लगी हैं तो पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, उसे भी ध्यान से देखिएगा। मगर हंसना सख्त मना है, देशद्रोह का मुकदमा हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए अभी से अनुरोध है कि यदि पहली बार है तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब बिल्कुल फ्री होता है। आप लोग इस काम को शुरुआत में ही निपटा लिया करिए, बाद में भूल जाते हैं वीडियो देखते हुए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल से चंदा नहीं लेते, आप दर्शकों के दम पर ही चलते हैं, इसलिए आपकी बात कर पाते हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले भाजपा मुख्यमंत्रियों की बात विस्तार से कर लेते हैं। मामला हर दिन हदों को पार कर रहा है। पिछले दिनों विधानसभा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हम मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। आपको बता दें कि बंगाली मुसलमानों को अपमानजनक रूप से मियां मुसलमान कहा जाता है, यानी कथित तौर पर असम का चुनाव हुआ मुख्यमंत्री अपने ही राज्य की जनता को अपमानित करते हुए बाकी लोगों में यह डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि बड़े मियां मुसलमान असम पर कब्जा कर लेंगे और हम नहीं करने देंगे। वैसे 2-4 महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री भी इसी तरह से अपने ही देश के मुसलमानों को घुसपैठिया बुला रहे थे, यानी गरिया रहे थे। आपको याद तो होगा ही, हमारे नियमित दर्शक हैं तो हम भूलने भी नहीं देंगे। याद करिए किस तरीके से प्रधानमंत्री पूरे देश की हिंदू महिलाओं को और हिंदुओं को डरा रहे थे कि मुसलमान तुम्हारी आधे संपत्ति छीन लेंगे, 2 कमरा होगा तो 1 कमरा छीन के उनको दे दिया जाएगा, और यहां तक उतर गए कि 2 भैंस होगी तो 1 भैंसिया उनको दे दिया जाएगा, महिलाओं का मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा यदि विपक्ष सरकार में आ गया तो। वैसे तो हेमंत बिस्वा सरमा कांग्रेस के प्रोडक्ट है, जब तक कांग्रेस में थे सेक्युलर थे, जैसे ही भाजपा में गए रंग बदल गया, ढंग बदल गया। हालांकि इसे बदलना नहीं बल्कि बिगड़ना कहा जा सकता है। जब से भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बने हैं, हर दिन जब भी मुंह खोलते हैं तो जहर उगलते हैं, जहर की उल्टियां करते हैं। देश के किसी भी कोने में चले जाएं, नफरत, हिंसा, बंटवारा, अलगाव, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। पिछले दिनों एक पत्रकार ने कुछ सवाल कर दिया तो असम के मुख्यमंत्री ने उनके धर्म को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। असम के पत्रकार संगठनों और मीडिया संगठनों ने इसका विरोध किया, मगर सवाल यह है कि हेमंत शर्मा का कितना विरोध किया जाए और कौन कौन से सवाल किए जाए। जो व्यक्ति 24 घंटे एक ही काम कर रहा हो और उस पर कार्यवाही करने वाला, रोक टोक करने वाला कोई ना हो तो देश की जनता क्या करे। असम के मुख्यमंत्री का काम ठीक वैसा ही है जैसे किसी परिवार का मुखिया अपने ही परिवार के तमाम सदस्यों में 24 घंटे झगड़े लगाने का प्रयास करता हो। भाई को बहन से लड़ाए, बहन को पिता से लड़ाए, पिता को माता से लड़ाए, माता को दादी से लड़ाए, दादी को दादा से लड़ाए। तो आप सोचिए, क्या ऐसा परिवार कभी भी किसी भी हाल में खुशहाल रह सकता है, किसी भी मामले में तरक्की कर सकता है क्या? हां, तरक्की जरूर होगी, तनाव में, मानसिक झगड़े में सब दिन रात एक दूसरे को देखकर कुढ़ते रहेंगे और कभी एक दूसरे पर हमला भी कर देंगे, किसी की जान चली जाएगी, कोई अपंग हो जाएगा और परिवार टूटकर बिखर जाएगा। जब इसी बात को आप विस्तृत रूप में देखेंगे तो भाजपा के तमाम मुख्यमंत्रियों की कहानियां नजर आएंगी जो दिन रात जनता के मुद्दों को छोड़कर बस आग लगाने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत में रहना है तो फला फला की जय कहना है। बताइए संविधान की किस पंक्ति में ये शर्तें लागू की गई हैं? मोहन यादव किस देश का संविधान पढ़कर आए हैं और किस संविधान की शपथ लेकर आए हैं? क्या भारत किसी की बपौती है? वो बताएगा कि भारत में रहना है तो क्या बोलना है?
हैं। ऐसे ही काम लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करते हैं, और उत्तर प्रदेश वाले की बात ही क्या करें, वो तो अब खुलेआम कहने लगे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी बात कटने काटने तक पहुंच चुकी है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शायद ये भूल चुके हैं कि जब उन्होंने अपने पद की शपथ ली थी तो शपथ में एक हिस्सा था कर्तव्यों के निर्वहन में निष्पक्षता और निष्पक्षता का आश्वासन देने का। उन्होंने बोला था कि मैं बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के संविधान और कानून के अनुसार सभी तरह के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अब सवाल यह है कि असम के मुख्यमंत्री जब खुलेआम सरेआम आए दिन नफरती बातें करते हैं, एक वर्ग को चिन्हित करते हैं, तो क्या यह भय फैलाने और पक्षपात करने की बात नहीं है? किसी समुदाय के साथ खड़ा होना और किसी के खिलाफ बातें करना, हालांकि यह खड़ा किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, मगर फिर भी किसी पत्रकार के सवालों का जवाब देने की बजाय उसकी जाति पर टिप्पणी करना, दिन रात धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात करना, उन्माद फैलाने की बात करना, क्या यह किसी भी रूप में संविधान के अनुसार है? जबकि उन्होंने कसम खाई है कि मैं कानून के अनुसार सभी तरह के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, तो क्या असम के मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? इन्हीं चीजों को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ विपक्ष ने FIR दर्ज करवाई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त विपक्षी मंच ने गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई और इसमें आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री धर्म और नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने कहा है कि असम में विपक्ष के 18 राजनीतिक पार्टियों ने हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। 4 जून से, यानी जब से तीसरी बार मोदी सत्ता आई है, हेमंत शर्मा लगातार सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहां पर असम के मुख्यमंत्री के ऊपर राज्य में हिंसा यानी दंगा कराने की साजिश का आरोप लग रहा है। साथ ही उन्होंने संयुक्त विपक्षी मंच की तरफ से राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि असम के मुख्यमंत्री को CM के पद से हटाया जाए। यह व्यक्ति राज्य के लिए खतरनाक है। सोचिए, एक राज्य को अपने ही मुख्यमंत्री से खतरा पैदा हो गया है। लोग कह रहे हैं कि आदमी दंगा करवा सकता है, और यह आरोप निराधार नहीं है। उनकी भाषा सुनिए, उनकी बातों को सुनिए। और विपक्षी दलों का कहना है कि असम के मुख्यमंत्री लगातार सांप्रदायिक हिंसा कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना यह भी है कि हेमंत शर्मा ने खुद को अपनी जबान से पागल कुत्ता कह के घोषित किया है, इसलिए हम देश के राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगे कि इस व्यक्ति को पद से हटाया जाए। ये राज्य में कभी भी आग लगा सकते हैं, दंगा फैलवा सकते हैं, लोगों के बीच नफरत की खाई बढ़ा रहे हैं, जिससे जनता के मन में भय पैदा हो रहा है। अब आप याद करिए, भाजपाई मुख्यमंत्रियों को यदि छोड़ दें तो पिछली बार आपने कब सुना था कि किसी मुख्यमंत्री से अपने ही राज्य को खतरा पैदा हो गया? अब ज्यादा जोर लगाएंगे तो आपको 2 दशक पीछे जाना पड़ सकता है। वैसे यदि आप हमारे नियमित दर्शक हैं तो हेमंत बिस्व शर्मा कितनी जहरीली बातें करते हैं हमने लगातार दिखाया, आप सबको लगातार याद दिलाया। इसी रास्ते पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी चलते हैं। इनकी भी कोशिश यही होती है कि जनता के तमाम मुद्दों को पीछे करने के लिए नफरती बातें करते रहो, कोई ना कोई विवाद पैदा करते रहो, छेड़ते रहो। आपने अक्सर देखा होगा उत्तराखंड में कुछ विशेष नफरती संगठनों के लोग सब्जी और फल बेचने वालों का पहचान पत्र मांगने लगते हैं, उन्हें मारने पीटने लगते हैं, आतंकवादी बुलाने लगते हैं, घरों से पलायन करने पर मजबूर करते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने मजार और मदरसे के नाम पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया एक विशेष कम्युनिटी पर, मगर जब जांच हुई तो मामला उल्टा पड़ गया, मगर फिर भी इन लोगों ने लगातार झूठ प्रसारित किया। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कारनामा सुन लीजिए। उन्होंने राजाजी टाइगर रिजर्व का प्रभार एक ऐसे अधिकारी को सौंप दिया जिसे 2 साल पहले कार्बेट टाइगर रिजर्व के प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। जब हाई कोर्ट ने वहां पर पेड़ों की अवैध कटाई और निर्माण का संज्ञान लिया तब, यानी जिसके कारण में हाई कोर्ट पकड़ चुका है, और उसके बाद उस व्यक्ति को पद से हटाना पड़ा, ऐसे व्यक्ति को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राजाजी टाइगर रिजर्व का प्रभार सौंप दिया, और वो भी अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर तथा मुख्य सचिव की ओर से इस मामले में पुनर्विचार करने पर अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए। यानी इनके वन मंत्री और मुख्य सचिव ने कहा कि अपने इस फैसले पर विचार कर लीजिए मुख्यमंत्री जी, मगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसके कारनामे हाईकोर्ट पकड़ चुका है फिर से एक टाइगर रिजर्व सौंप दिया। अब जरा सोचिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने अपने मंत्री और मुख्य सचिव की बात नहीं सुनी? जिस व्यक्ति के ऊपर इतना गंभीर आरोप और दाग लग चुका है उसे इतने महत्वपूर्ण पर दोबारा बैठाना, इसके पीछे क्या खेल हो सकता है? वैसे आपको बता दें, किसी नाकाबिल व्यक्ति या भ्रष्टाचारी व्यक्ति को किसी पद पर बिठाने से कुछ फायदे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे पद के काबिल नहीं है और आप उसे वो पद दे दें, वो सम्मान दे दें, तो वो आपके सामने लोटासन करने के लिए तैयार रहता है। आप जो कहेंगे वो बिना कोई सवाल किए, बिना कोई विरोध किए आपकी बात मानता रहेगा। जबकि ईमानदार और चरित्रवान होगा तो वो गलत कार्यों में साथ नहीं देगा, सवाल करेगा। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये काम क्यों किया, इसका जवाब वही दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के मुख्यमंत्रियों को तो आप देख ही रहे हैं कि ये लोग दिन रात क्या कुछ कर रहे हैं। अब जरा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं आजकल, और जरा विचार करिएगा कि क्या करने से आपके राज्य का और आपका, आपके बच्चों का भला हो सकता है। अपने स्क्रीन पर PTI की इस खबर को देखिए। तमिलनाडु के CM MK Stalin सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका पहुंचे, और वहां पहुंचने पर इनका जबरदस्त स्वागत किया गया। 17 दिन का अमेरिकी यात्रा प्लान करके पहुंचे हैं ताकि उनके
राज्य में अमेरिका से निवेश आ सके। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, समझौता होगा। सोचिए, भारत का ही एक मुख्यमंत्री किन रास्तों पर चल रहा है और भारत के ही अनेक भाजपाई मुख्यमंत्री किन रास्तों पर जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि भारत में रहना है तो फला फला कहना है, कोई मियां मुसलमान में बिजी है, कोई बुलडोजर चलाने में बिजी है, तो कोई कटने काटने की बात कर रहा है। अब कलकत्ता के मामले पर वहां के मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया है, जरा उसको सुन लीजिए। जैसा कि मैं लगातार आपसे कहता हूं, पश्चिम बंगाल, केरल को लेकर और कुछ हद तक दिल्ली को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, गोदी मीडिया और उसका सारा तामझाम एक अलग टारगेट के साथ चलता है। एक से बढ़कर एक झूठ पैदा किए जाएंगे और इन राज्यों को बदनाम किया जाता है। हाल फिलहाल में ममता बनर्जी के कुछ बयानों को लेकर भी उनके अनुसार गलत चीजें प्रसारित की गई। इसको लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मैंने कुछ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में एक दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार अभियान देखा है, जो कल हमारे छात्रों के कार्यक्रम में मेरे द्वारा दिए गए भाषण के संदर्भ में चलाया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि मैंने मेडिकल छात्रों या उनके आंदोलन के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है, मैं उनके आंदोलन का पूर्ण समर्थन करती हूं। फिर से सुनिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैंने मेडिकल छात्रों या उनके आंदोलन के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, मैं उनके आंदोलन का पूर्ण समर्थन करती हूं। उनका आंदोलन वास्तविक है, मैंने उन्हें धमकी नहीं दी है। यह आरोप पूरी तरह से झूठ है कि मैंने किसी आंदोलनकारी को किसी भी तरीके से धमकाया है। हाँ, मैंने बीजेपी के खिलाफ बोला है। मैंने उनके खिलाफ इसलिए बोला है क्योंकि भारत सरकार के समर्थन से वे हमारे राज्य पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार के समर्थन से वे अराजकता पैदा करने की प्रयास में हैं, इसलिए मैंने आवाज उठाई है। अब जरा आप दर्शक बताइए, पिछली बार आपने कब किसी मुख्यमंत्री की जबान से, खासकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों या फिर देश के प्रधानमंत्री की ही जबान से सुना कि जनता यदि आंदोलन कर रही है तो उसे वास्तविक कहा गया हो, उनका अधिकार बताया गया हो? याद करिए, उत्तर प्रदेश से लेकर अनेक भाजपा शासित राज्यों और प्रधानमंत्री मोदी को किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री ने ही प्रदर्शनकारियों को आंदोलनजीवी कहा था, संसद में खड़े होकर, और उनके पूरे सिस्टम ने किसानों को भर भर के गालियां दी। CA NRC का मामला आपको याद होगा। देश भर की भाजपाई सरकारें किस तरीके से उस आंदोलन पर टूट पड़ी थी, कितने लोगों की जान चली गई, कितनों का जीवन बर्बाद हुआ, ये सब आपको याद होगा। यानी एक तरफ भाजपा की सरकारें आंदोलनों को बदनाम करने में लगी रहती हैं, कुचलती हैं, दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री हैं जो खुलेआम कह रही हैं कि आंदोलन वास्तविक है, हमने किसी को भी कभी भी कोई भी धमकी नहीं दी है और आंदोलन का पूर्ण समर्थन भी कर रही हैं। कुछ लोग इसे दिखावा कह सकते हैं, मगर सवाल ये है कि ये दिखावा भी भाजपा शासित किसी राज्य के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सके और खुद देश के प्रधानमंत्री इतने सालों में क्यों नहीं कर सके? और दिखावा करना तो दूर की बात है, समर्थन करना बहुत दूर की बात है, आंदोलन को वास्तविक बताना बहुत दूर की बात है। इन लोगों ने तो आंदोलनों को बदनाम किया, खुद प्रधानमंत्री ने क्या-क्या कहा, इनके पूरे सिस्टम ने आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, उग्रवादी, आतंकवादी, ये सब कुछ कहा और कहलवाया। वैसे किसानों को उल्टा सीधा बोलने के मामले में याद आया, कंगना रनौत के ऊपर जबरदस्त वाली पनौती लगती हुई दिख रही है। खबर है कि हाल ही में एक बार फिर से जेपी नड्डा के दरबार में पेशी हुई है। पिछले दिनों हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कंगना रनौत के बयानों से पल्ला झाड़ लिया और फटकार भी लगाई। उधर किसान लगातार कंगना रनौत का पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस पुतला छीनकर भागने का कार्यक्रम चला रही है, दो बार ऐसा हो चुका है। उधर इनकी फिल्म के खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए हैं, आरोप है कि सिख समुदाय को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चला रही है अपनी फिल्म के माध्यम से। रामराज्य की एक खबर ये भी देख लीजिए, घर के बाहर माँ के साथ नाबालिग सो रही थी, दो युवक उठा ले गए, फिर सामूहिक दुष्कर्म किया। उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा कोई दिन गुजरता हो, शायद ही गुजरता हो, जब ढेर सारे जघन्य मामले महिलाओं के खिलाफ सामने ना आते हों, मगर यहाँ विपक्ष भी सन्नाटा मारे रहता है और सत्ता पक्ष मामले को शुरू से ही दबाने में लग जाता है। दबाने की कोशिश इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जिन्हें पश्चिम बंगाल की महिलाओं की चिंता है, उन्हें अपने शासन में महिलाओं की चिंता क्यों नहीं है? अब जरा इधर भी ध्यान दे लीजिए, किसान आंदोलन के बाद से किसी मामले में पाकिस्तान की अच्छे से एंट्री नहीं हो पा रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान की एंट्री कराने का बीड़ा गोदी मीडिया के बड़े चैनल इंडिया टुडे ने उठा लिया और उसने ट्रेनों की पटरी से उतरने की घटनाओं को पाकिस्तान की साजिश बताने का खेल शुरू कर दिया। TMC सांसद साकेत गोखले ने लिखा है कि भाजपा के चैनल इंडिया टुडे ने एक विशेष रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय रेलवे में ट्रेनों का लगातार पटरी से उतरना और दुर्घटनाएं होना पाकिस्तान की साजिश है। अब इसके आधार पर अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब गोदी मीडिया अपनी पीठ थपथपा रहा है कि मेरी रिपोर्ट पर रेल मंत्री ने संज्ञान ले लिया और उस आधार पर जांच करवा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो लोग देश मजबूत हाथों में है, एक के बदले 10 सिर लाएंगे का नारा देकर आए थे, क्या उनके राज्य में भारत की सुरक्षा व्यवस्था, तमाम जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां इतनी कमजोर और नाकारा हो गई हैं कि पाकिस्तान भारत में हर एक राज्य में इतनी गहरी
साजिश कर सकता है, ट्रेनें पटरी से उतार दे। यदि पाकिस्तान इस दौरान भारत में इस कदर दखल कर सकता है तो फिर ये कितनी चिंता का विषय है, कितना गंभीर संकट है भारत के ऊपर। ऐसे में आतंकवादियों को बम धमाका करने, गोलीबारी करने की आवश्यकता ही क्या है, वो तो चुपचाप ट्रेनों की पटरी से उतारेंगे, सैकड़ों लोगों की जान ले लेंगे, देश में दहशत फैलाएंगे। सवाल ये भी है कि जब देश की तमाम खुफिया एजेंसियां ऐसी कोई रिपोर्ट देने में फेल हो गई तो इंडिया टुडे ये रिपोर्ट लेकर आया है, तो क्यों ना जांच एजेंसियों को बंद करके इंडिया टुडे को ही सारी जिम्मेदारी दे दी जाए। अगर इनके पास इतनी तगड़ी व्यवस्था है कि पता लगा लिया कि पाकिस्तान का लिंक है ट्रेनों को पटरी से उतारने में, तो क्यों ना इंडिया टुडे के उसी पत्रकार को रेल मंत्री बना दिया जाए जिसने ये खुलासा किया है। आगे साकेत गोखले लिखते हैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन ट्रेनों के पटरी से उतरने की खबर नहीं आती, इसलिए मंत्री की इज्जत बचाने के लिए इंडिया टुडे एक कहानी पेश कर रहा है कि ट्रेन के पटरी से उतरने और दुर्घटना वास्तव में एक पाकिस्तानी साजिश है। रेल को पटरी पर लाने में असमर्थ इंडिया टुडे एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की आड़ में सबसे हास्यास्पद, बेशर्म और विचित्र सिद्धांतों के साथ अश्विनी वैष्णव को जवाबदेही से बचाने में मदद कर रहा है। ये प्रोपेगेंडा चैनल और मंत्री हमारे देश के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कितना नीचे गिरेंगे। वैसे पिछले दिनों मैंने आप दर्शकों से कहा भी था, दिखाया भी था कि किस तरीके से रेलवे की दुर्व्यवस्थाओं को साजिश का नाम देना शुरू हो गया है। एक आध जगह इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, मगर देश भर में कुछ लोग ट्रेनों को पटरी से उतारने की साजिश करते रहे, क्या यह आपको संभव लगता है? और यदि यह संभव है तो फिर यह बात सरकार के लिए चुल्लू भर पानी खोजने के लिए काफी है। अब जरा याद करिए, कुछ साल पहले जब गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति बन रही थी, लौह पुरुष की मूर्ति बनाने के लिए देश भर से लोहा जुटाया गया। पता नहीं उस लोहे का क्या हुआ, वो मूर्ति बनाने में प्रयोग हुआ भी या फिर कोई खाकर बैठ गया बीच वाला। अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सनेत ने यह वीडियो शेयर किया है, जरा देख लीजिए। कह रही है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाने का यह रास्ता है। इस रास्ते का हाल देख लीजिए, इस तरह से तो आपके प्लेट में आलू के चिप्स भी नहीं बिखरते होंगे, जिस तरीके से ये पक्की सड़क बिखर गई। ये गुजरात मॉडल है। वैसे सड़क परिवहन मंत्री को भी बता देना चाहिए और गोदी मीडिया को भी इसमें जांच करनी चाहिए, साजिश नेहरू की है या पाकिस्तान की। कल ही हमने दिखाया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक सिस्टम लेकर आई है जिसके तहत सरकार का प्रचार करने पर उन्हें लाखों रुपया दिया जाएगा और आपत्तिजनक या देश विरोधी वीडियो दिखाने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो जाएगी। इस मामले पर प्रियंका गांधी ने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया पॉलिसी में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएंगी, सरकार का प्रचार करने की या फिर देश विरोध की श्रेणी में? 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे? भाजपा नेताओं विधायकों द्वारा भाजपा सरकार की पोल पट्टी खोलना किस श्रेणी में आएगा? तुम दिन को कहो रात तो रात वरना हवालात, नीति सच को दबाने का एक तरीका है। क्या भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकती? एक दशक से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब स्वतंत्र आवाजों को, सवालों को, आलोचनाओं को दबाने और मिटाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया पॉलिसी भी नजर आती है। इसीलिए आप सभी दर्शकों से बार बार अनुरोध करता हूं कि स्वतंत्र पत्रकारों के वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, लाइक जरूर किया करें, 2-4 कमेंट करिए, अपनी राय रखिए, बिना सब्सक्राइब किए वापस मत जाइए, तभी आपकी आवाज मजबूत होती रहेगी और लोकतंत्र का बचा खुसा एहसास मिलता रहेगा। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।